और बीवी आज क्या बन रहा है? रसभरी रसोई में क्या प्रोग्राम है? आज मुझे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ डिब्बा पार्टी करने, तो मैं तैयारी ऐसे करके जाऊंगी ताकि घर में जो बैठे हैं ना उनको मेरी याद भी ना आए। तो ऐसी तैयारी करके जाऊंगी ताकि उन लोगों को ना मेरी याद ना आए और मेरे को चैन से वहां पे एंजॉय करने दें। तो ये जरूरी है, अगर मैं एंजॉय करना चाहती हूँ तो जो घर में बैठे हैं ना वो भी एंजॉय करें। तो ये चीज सोच के जाती हूँ तभी मैं एंजॉय कर पाती हूँ, अदरवाइज फिर यही रहता है मैंने घर में तो खाना नहीं बनाया, यहाँ पे मैं खाना पीना कर रही हूँ, तो फिर मजा किरकिरा। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी इनके लिए, और करौंदे थोड़े से छौंक रही हूँ, हरी मिर्च करौंदे, और बना के जाऊंगी नाश्ते में गोभी का पराठा, मूली का पराठा, और दही वही जमा दिया है सब, और तैयारी चल रही है शानदार। तो गाइस क्या होता है कि जो फ्रेंड्स है ना मेरे जो दोस्त है वो इतने प्यारे हैं, और मतलब ना इतने प्यारे हैं कि अगर उनके साथ आप ना खड़े हो ना तो वो गाली दे देंगे, घूंसे मार देंगे, पर तमीज से बात वो नहीं करेंगे। पर उन लोगों ने ना मुझे इतना मेरे टफ टाइम में मेरे को साथ दिया है कि मुझे लो फील होने नहीं दिया। मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं और यही दोस्त इन लोगों के साथ बॉन्ड बनाने में मुझे आज मैं 5-6 साल हो गए इनके साथ, और एक मेरी बचपन की दोस्त है जो कि मेरे स्कूल टाइम की दोस्त है, वो और मैं, हम दोनों अपने फैमिली, उनकी फैमिली मेरी फैमिली, हम फैमिली फ्रेंड है। और जो ये किट्टी पार्टी वाली दोस्त है, मैं पहले किट्टी से बड़ा परहेज करती थी, मुझे किट्टी में नहीं जाना, बड़ा ये होता है वो होता है, पर करते 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 6 साल बीत गए और अब ये मेरी ना लाइफ हो गया है, ये मेरी रिश्तेदारों से भी बढ़कर मतलब एक रिलेटिव जैसा ही फील होता है कि इनकी फैमिली में फंक्शन है तो हमको जाना है, इनके कुछ प्रोग्राम है हमको जाना है। तो इन्होंने ना बड़ा ईजी फील करवा रखा है मुझे, और जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट ईजी, मतलब आपको मैं बताऊँ, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब मैं ना किट्टी से दूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को किट्टी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने इनको बोला भाई मैं आप किट्टी नहीं डालूंगी। तो ये बहुत चालाक किस्म के हैं मेरे दोस्त, इनको पता चल गया मेरी सिचुएशन। वो बोलते हैं ना जो कि बारिश में रोते हुए चेहरे पे आंसू दिख जाए, इन लोगों को वो दिखाई दिए, और इन लोगों ने ना वो 1-1.5 साल मुझे इस तरह से पकड़ के रखा कि अब मैं इनको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकती, जिंदगी में नहीं छोड़ सकती। तो जब भी आपको कोई मुसीबत में साथ देना उसको कभी मत भूलना। ये वो है, मेरा ना गला थोड़ा सा भरा आया पर मैंने कंट्रोल कर लिया, अंदर ले गई हूँ, क्योंकि मैं इनका कुछ चीजों का ना थैंक यू बोलने का मतलब ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते आप। तो ये वो चीजें हैं, तो मैं थैंक्स करती हूँ अपने दोस्तों को। बहुत बार सोचा कि इनके बारे में कुछ बात करूं, इन लोगों ने मुझे इतने आराम से मुझे ऐसे करके सेफ साइड से मुझे छोटा भी नहीं दिखने दिया, और मुझे अच्छा भी फील करवाया। और हर वक्त ना ये प्रोग्राम पता कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम है जी चलना है, तो मैं बोलती हूँ भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अरे चलो ना कोई बात नहीं चलो, वहां पे आपको वीडियो बनाने को मिल जाएगा, आपको व्लॉग बनाने को मिल जाएगा, हैं, हम सब मिलके कर लेंगे। तो इन्होंने मेरा ऐसे साथ दिया है जो कि मेरा किसी ने ऐसे साथ नहीं दिया, इन लोगों ने मेरा ऐसे साथ दिया है, और करते 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 आज मैं इस जगह पे पहुंची हूँ ना, तो ये दोस्तों की वजह से, परिवार वालों की वजह से, सबकी मेहनत, मेरे अकेले की नहीं है ये, सबकी मेहनत है। तो इस चीज को मैं और अच्छे से करना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छे से करूं और इनको खुशी दूं, सबको खुशी दूं। तो अगर हम खुशी किसी चीज से दे सकते हैं तो मैं ये इसी यही दे सकती हूँ कि इनकी इरादों पे, मतलब इनकी उस पे खरी उतरूं, जो इन्होंने दोस्ती मुझे दिया है इस दोस्ती पे खरी उतरूं। तो जल्दी से कर रही हूँ डब्बा पार्टी की तैयारी, डब्बा पार्टी में मेरा हिस्से में आया है, सबने अपने अच्छे अच्छे बना लिए, इतनी चलाक है, ये बनाऊंगी। मैं सो गई थी, मेरी नींद खुली जब देखा सब कुछ बढ़ चुका है, अब मैं क्या बनाऊं, फिर मैंने साबूदाने की टिक्की अपने हिस्से में ले ली। आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की टिक्की, पहले कर लूं घर के
लोगों के राशन पानी की तैयारी, फिर अपना डिब्बा तैयार करती हूँ। तो जल्दी से मिलते हैं, अपने दोस्तों को मिलवाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी आपको, ठीक है। तो जी ब्रेड रोल हमारे, ओ ब्रेड रोल बोल रही हूँ क्योंकि शेप मैंने ब्रेड रोल के दी है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने बोला था कि साबुत है ना कि टिक्की तो ठीक है, थोड़ा स्पेशल तरीके से बनाना। तो मैं पहले गोल बनाती थी, सारे गोल बनाते हैं, मैं आज लंबी बना रही हूँ, बस इतना ही है स्पेशल इनके लिए। दोस्त है, डिमांड नहीं कर सकते, डिमांड करते हैं रिश्तेदार और जो कभी कभार मेहमान वेहमान है ना, ऐसे डिमांड करते हैं। दोस्तों का क्या है, दोस्तों को आप कुछ भी बोल सकते हो खुल के। तो मैं बना रही हूँ साबूदाना के बड़े, हो गए हमारे तैयार, यमी यमी टेस्टी टेस्टी। मजा तो तब आएगा, स्वाद तो तब आएगा जब हम सब मिल बैठेंगे यार और खाएंगे पकोड़े चार चार। हमारे लिए भी चार पांच बना जाओ ब्रेड पको, ये साबूदाने के रोल जो बना रही है। मैं उनके लिए गोभी का पराठा लेके जा रही हूँ, गोभी की सब्जी लेके जा रही हूँ। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। गाइस ये ना सच में बहुत लालची पति है और इनको लगता है कि थोड़ा थोड़ा स्वाद सारा लेना चाहिए, वो भी मैं, मेरे को भी लगता है, वो सबको ही लगता है खैर, पर फिर भी मैं लालची बोलूंगी। तो गाइस 11 बजे का टाइम हो चुका है और मुझे जल्दी से तैयार होना है और फटाफट अभी नाश्ता बनानी है। तो करती हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा हाथ पैर चलाती हूँ और जैसे जैसे टाइम कम हो जाता है ना तो जल्दी जल्दी हाथ चलने लग जाते हैं। सुबह ऐसे लगता है कि ये तो 5 मिनट में हो जाएगा, इसकी क्या जरूरत है, इतना जल्दी करने की क्या जरूरत है। हम लोग पहले ऐसे करते हैं, फिर जब सर पे टाइम आ जाता है पूरा, फिर मशीन बन जाते हैं हम। तो अब हो रही है मेरी तैयारी, तो आगे का हाल बताते हैं बाद में। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपने फ्रेंड के घर में और ये सब आ चुकी हैं मेरी फ्रेंड्स प्यारी प्यारी, और अब आपको मिलवाते हैं। ये है सरिता पाठक जी और प्रदीप जी हैं ये, और सरिता पाठक जी है, ईशा जी है, ईशा हाय, और वो है बरखा रानी हमारी, और है सुनीता जी जो कि हमारी गैंग की लीडर है, और गैंग का लीडर अगर हो ना मस्त तो ग्रुप मस्त अपने आप बन जाता है। और वो जो बैठी है ना ब्यूटीफुल थी, वो आज साड़ी पहन के आई है, सुखी, जिसको हम साड़ी में कभी बहुत ही रेयर देखते हैं। सुखी जरा खड़े होकर दिखा दो भी प्लीज। तो ये देखो हमारी ब्यूटीफुल गर्ल साड़ी में, आज टिपिकल इंडियन, और साथ में हमारी गैंग लीडर सुनीता जी, और हम आए हैं पूर्णिमा जी के घर। तो आपको पूर्णिमा जी से मिलवाते हैं, ये है हमारी सीमा रानी, तो ये बहुत ही मेरी प्यारी सी फ्रेंड है, और सारी फ्रेंड प्यारी हैं पर सबको एक एक स्पेशल स्पेशल बोलना पड़ता है। ये है हमारी पूर्णिमा जी जिनके घर में आज हमने डिब्बा पार्टी करनी है, और हमारे डिब्बे सज चुके हैं, अभी आपको दिखाएंगे वैरायटी। और पूर्णिमा जी के बच्चे भी पूरा सहयोग कर रहे हैं पूर्णिमा जी के साथ, ये इनका पुत्र है जो पूर्णिमा जी की पूरी हेल्प कर रहा है। तो ये देखो किचन का सारा काम संभाल रखा है प्रिंस ने, और ये हमें हेल्प कर रहे हैं इनके बच्चे। हाय, ये भी इनकी बेटी है पूर्णिमा जी की, और तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से, और अब हम आपको दिखाएंगे हम क्या क्या खाने वाले आज, क्योंकि जब इतनी सारी वैरायटी आ जाती है ना तो मोटे तो होंगे ही। और हम खेलेंगे तंबोला, पहले खाएंगे पियेंगे, फिर थोड़ा सा तंबोला खेलेंगे, फिर खाएंगे पियेंगे, फिर मस्ती करेंगे, और कुछ वीडियोस बनवाऊंगी इनसे मैं जबरदस्ती रील के लिए। ये इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे इंटरेस्ट है, इस खुशी से ये लोग मेरे को कोऑपरेट करते हैं और मेरे साथ रील्स बनवाते हैं। कितने जीते? 100 पूरे जीत लिए, जितने दिए थे उतने मिल गए, और आपको 50 100 दिए थे 50 जीते, टोटल में चल रही हूँ 10 रुपए। 10 रुपए नहीं, कितने जीते? 90 10 रुपए का लॉस है ना, कोई बात नहीं, उतना तो चलता है। तो ईशा सबसे ज्यादा कल हुई है, और प्रदीप जी ने शुरुआत भी की और खात्मा भी किया, इन्होंने ज्यादा ही जीत लिया, और सुखी भी आज तो सरिता आपके कितने हुए? एक भी नहीं ओ, कोई बात नहीं। और बरखा रानी 50 चलो कोई बात नहीं दिखाओ शक्ल, टॉक टू माय हैंड कोई बात नहीं।
आप सुनीता जी इस बार मैं जीत गई हूँ, आपके साथ बैठी हूँ, आपका लक मैंने अजमा लिया है। मैं तो नाम ही बदला था अपना, पपीता रखा था। आज आज सारे पी राशि वाले जीते जिनका नाम पी से है, तो आज इन्होंने अपना कोशिश किया था, सुनीता नाम है, इन्होंने पुनीता रखने की कोशिश की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब हमारा तंबोला हो गया खत्म, अब हमारी शुरू होगी पार्टी। कौन सी शुरू होगी? लंच पार्टी, गप पार्टी और लंच पार्टी। एक और है, देखो ये ना जब तक अपने पूरे शो नहीं करेंगे ना, जो ये बोल रहे थे हम दोनों ज्यादा भी जब तक शो नहीं मिल जाते तब तक ये खेलती रहेंगी, है ना। चलो ठीक है, तो जी ये आम पन्ने से हमारा स्वागत हो रहा है। चीयर्स, चीयर्स। तो ये आम पन्ना बना के लेके आएंगे सुखी, और बहुत ही टेस्टी यमी बना है सुखी, ये तो मैं 10 गिलास पी सकती हूँ। तो सब आम पन्ना पीने में बिजी हैं। कैसा बना सुनीता जी? बहुत टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी। तो जी स्नैक्स सज चुके हैं, आम पन्ना हजम हो चुका है, अब हमारा स्नैक्स शुरू हो गया है। और ये तरबूज बहुत अच्छा बनाया पूर्णिमा ने, मैंगो, पाइनएप्पल, खरबूजा, और ये क्या बनाया, स्प्राउट्स है, ढोकला है, सांभर। तो हम सब लेडीज अगर इकट्ठी हो जाती है ना, तो कुछ भी ना हो हम पार्टी कर लेते हैं, और यहाँ तो इतना कुछ है कि पार्टी क्या पाटा हो गया हमारा। जी शुरू हो गया लंच टाइम, तंबोला खेल चुके हैं, हारने वाले जीतने वाले सबको भूख लग चुकी है। दो पीस डाल दे। ये ऐसे दोस्त है, या तो खिलाएंगे, इतना खिलाएंगे खिला खिला के मार देंगे, या तो ऐसे तरसा देंगे कि बंदा पेट ही ना भरे।